का रोड है जो हरदोई ब्रांच नहर पे चढ़ रहा है। देखो सर ये क्या आ रहा है, ये रोड जो सरकार का है, जोगी जी कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त करेंगे, लेकिन ये अधिकारी जो है गड्ढा मुक्त दे रहे हैं काश्तकार। ये तो मट्टी है, ये तो रोड सब मट्टी है, हाथ से ही रोड उखड़ रहा है, पैरों से हाथ से जितना मर्जी उखाड़ लो। पूरा यहाँ पे नहीं, पूरा आगे तक देखो, आगे भी आगे देखो, पूरा ऐसे ही है। ये हाल है रोड की, देखो ये हालात है, ये देखो तार तक नहीं है, ये देखो नहीं है, ये देखो नहीं है, और कुछ नहीं है, साफ ऐसे क्या, इसमें सब पूरी मट्टी पड़ी है ना, हाथों से उड़ रहा है, ये हाथों से उड़ी, देखो क्या हो रहा है, ये देखो कोई नहीं बोलते साइड में, ऐसा बीच में देखो कैसा सब मिट्टी है, देखो सब थले उदाइयां, ये देखो कोई सफाई कुछ नहीं की, सफाई आई नहीं, लोग सफाई की लोहे से तो उखाड़ नहीं रहे, हाथों से उखाड़ रहे हैं, हाथ से ही सब पूरे हाथ से उड़ रही है, कोई लोहा नहीं इसमें, कुछ नहीं है, देखो जड़े तक साफ हो रही है नीचे से, देखो क्या इसमें कहो पूरी उखाड़ दे उस तरफ तक आ जा पैर, रोड रुकेगा जी, सूखा माल लेने के लिए, सूखा माल देखो, सूखा माल तो एक कुलतार नहीं कुछ नहीं है, मिट्टी ही नहीं, हां देखो नीचे से मिट्टी आ रही है, सफाई नहीं की, ये देखो अरे कुलतार दी देर हो रहे हैं, हां सूखा माल तो सूखा नीचे से कुलतार बिल्कुल नहीं इसके ऊपर, तो ऐसे तो पूरी उखेड़ दोगे भाई साहब, भैया तो रोड उखड़ता कहां है जी, क्यों आप बोलो है नहीं, ले चले आप ही ना ऊपर लगे हैं, अच्छा इतने नहीं निकलनी, इतने सब मिट्टी है, चले आ जी सब मिट्टी है, चले उधर है आप थोड़ा उधर पीछे, उधर बिल्कुल ही है नहीं, ये खंभे उस साइड में जमनिया जगतपुर से एक मार्ग होता हुआ हरदोई ब्रांच नहर को जोड़ता है, उस जगह पर मैं मौजूद हूँ, किसी के आगे रोड का निर्माण कहा जा रहा है, आपको बता दें रोड में घटिया सामग्री से इस्तेमाल किया गया है, सरकार का पैसा बंदर बांट किया गया है, किस तरीके से आप साफ तस्वीरों में देखेंगे, ये है रोड, ये रोड की ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कैमरा पसंद दिखाएंगे, ये रोड देखिए, ये देखिए, और आप खड़े होकर काम करा लो, ये तो है रोड, ये आप देखिए, हां ये देखिए सुरेंद्र, ये देखिए एक आदमी लगा रहा है, ये रोड राम मन चाहे देखो, ये रोड उखाड़ रहा है हाथों से, ये देखिए ये देखिए यार हम क्यों करें यार, आपका नौकर लगे, इसको देखिए इसको उखाड़िए आप, किस तरीके से रोड उखड़ रहा है, देखो ये दिखाइए तस्वीर, दिखाइए इस रोड को, दिखाइए रोड है जो हाथों से ऊपर उखाड़ी जा रही है, रोलर नहीं चला रही है, कहीं ना कहीं ठेकेदार अपने आप को मनमानी समझकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, अधिकारी सारे इसमें लिपित है, कहीं ना कहीं ठेकेदार अधिकारियों को साठ काट कर इस पे निर्माण कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से सीधा तौर पे आपको बता दूं, जिला पीलीभीत भ्रष्टाचार जो घर बन चुका है, हमारे साथ कई ऐसे सहयोगी मौजूद है, मैं बात करूंगा, क्या नाम है, अरे ऐसा है ना, ये रोड जो भी कर रहा है पूरा कहीं माल डाल ही नहीं है, कहीं उखड़ गया कहीं नहीं उखड़ा, कहीं डाला, हम लोग चला के मांगे पूरे गाँव वाले, एक हमारे यहाँ सुरेंद्र भाई है पानी अधिकारियों, और कैसे रोड बढ़िया बना दे, सड़क नहीं बना दो ना बने, हम लोग गड्ढे में भी चल रहे हैं, लेकिन अगर नहीं बनेगा हम लोग चक्का जाम कर देंगे, हम हाईवे पे जाके जाम कर देंगे, हम लोग हमें लोगों को बहुत परेशानी इस बात की, आप माल खड़े हो सर, बढ़िया बनना चाहिए, पूरा रोड टूटा हुआ है, पूरा देखो सब क्षेत्र का जितना किसान सब आ रहा है यहाँ रोड पे, और पूरे किसानों को पूछ लिया जाए कि ये रोड कैसा बन रहा है, हम आज कितने दिन से चला रहे हैं, इनके जई भी दो आए थे वो भी यही बात कर रहे हैं, बढ़िया बन रहा है, बढ़िया बन रहा है, सर क्या हम करें, हम लोग तो परेशान बैठे हैं, इनका और एक है पेटीदार वो लाल सिंह, वो भी कह रहा है बढ़िया बना है, एक इनका टोनी लाल है वो कोई पता नहीं कौन है, इनका जूनियर सीनियर वो भी कह रहा है बढ़िया बना है, इसका मतलब काश्तकार जो है वो बेवकूफ है, यहाँ के हम लोगों ने दखत जी को कहा था, जिला अध्यक्ष को कहा था, वो कहे हमें बताना, और आज मैंने फोन लगाया था लेकिन वो कहीं बिजी है चुनाव के, क्या ऐसे बेकार हम ढेर लगा रखे हैं ऊपर से बजरी के, झाड़ू मार रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं सब गरीब ने, वहाँ से पूरे झाड़ू लगा रहे हैं, कैमरा पर्सन करके दिखाएंगे, ये सड़क जो है ये देखिए, ये ठेकेदार द्वारा सड़क बनाई गई है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए कैमरा पर्सन कहेंगे, ये देखिए
कहीं ना कहीं अधिकारियों के भेद चढ़ चुका है। अरे बाबू जी उधर चले, थोड़ा उधर चले, निजाम अब उधर चले, थोड़ा उधर चले, आप पीछे चलो निजाम। पब्लिक लाइव निजाम अली पीलीभीत।